और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। जोधपुर से ये बड़ी खबर है, जहां बनाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस कमिश्नर जोस मोहन मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, जहां बनाड़ थाना क्षेत्र का मामला और फायरिंग हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये फायरिंग हो गई बनाड़ थाना क्षेत्र में, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। और अब इसके बाद पुलिस कमिश्नर जोस मोहन मौके पर पहुंचे हैं। आज रातनाड़ा SHO को दिन में सूचना मिला था, उनका एक वांछित अपराधी है, लवली नाम का व्यक्ति है, वो अपने थाना क्षेत्र में होने का सूचना मिला था। उस पर उनको पकड़ने के लिए गए थे और SHO का जो गाड़ी है उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग किया है और इन्होंने रिटालिएटरी फायरिंग का भी बात हुआ है। और इसमें गाड़ी में चार लोगों का होने का अभी तक बात सामने आया है और उनमें से तीन लोगों को पकड़ा है, एक आदमी को जो इंजर्ड हुआ है उनको हॉस्पिटल लेके गया। देखो, उन्होंने SHO के गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया है और उसमें जो रिटालिएटरी फायरिंग हुआ है उस इंसिडेंट में उनके ऊपर फायरिंग हुआ है, उसमें एक व्यक्ति जो है उनको इंजरी आया है, उनको हॉस्पिटल लेके गया हुआ है। निश्चित रूप से जो अवैध हथियार का जो है उस संबंध में हम लगातार अभियान चलाते भी आए और आज भी दिन में जैसे रूटीन का नाकाबंदी भी चल रहा था और लगातार जो अपराधियों का गतिविधि है उनके ऊपर सख्ती से कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी शिव प्रकाश राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, क्योंकि जैसा कि कमिश्नर बता रहे हैं, चार ये लोग हैं जिनमें से मुख्य आरोपी शायद अभी भी फरार है, एक को गोली लगी है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि रातनाड़ा थाना क्षेत्र में लवली गंडारा, जो मोन्टू गंडारा इंस्पेक्टर है उसका भाई है, उस पुलिस को उसके रातनाड़ा थाना क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए तो आरोपी मौके से फरार हो गया। जब वह पुलिस के और चारों ओर से गिर गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की और इस फायरिंग की घटना में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लवली कंडारा है उसकी एनकाउंटर में मौत हो गई है, उसको अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी और अन्य जो तीन साथी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस कमिश्नर खुद ने बताया कि गाड़ी में हथियार वगैरह होने की भी जानकारी मिली, लेकिन इसका अभी स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं हुआ है। जी मेगा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश जानकारी के लिए।